आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं RZS 24 न्यूज़। नाजरीन, आज हमारे साथ देख रहे हैं, आज जो बल्दिया के इलेक्शन थे, आज उनका काउंटिंग था। अब्दुलरहमान शाह जो कंचनबाग नुमाइंदा कॉर्पोरेटर है, उनको भी पब्लिक ने काफ़ी अक्सरियत से जिताया गया। जैसा कि अब्दुलरहमान शाह जी, आपको जैसा कि पब्लिक ने मिलकर फिर से एक बार पब्लिक में काम करने के लिए आपको जिताया गया, कैसा आप पब्लिक का शुक्रिया अदा करेंगे? मैं सबसे पहले अल्लाह अल्लाह के रसूल का शुक्रिया अदा करता हूँ, वली अल्लाह की दुआ है, और हमारे बस्ती के बुज़ुर्गों का, भाइयों का, और उन ख़वातीन का, मेरे बहनों का, मेरे माँ और बहनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे को वोट देकर मेरे को कामयाब बनाए। मेरे नौजवान भाइयों का, मेरे दोस्तों का, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपना कीमती वोट देकर मेरे को कामयाब करे और नखीब मिल्लत और हबीब मिल्लत के हाथ मजबूत करे। जैसा कि आपको फिर से एक बार कॉर्पोरेटर के लिए जीता गया और पब्लिक ने घर से निकलकर जो आपके लिए वोट डाले गए, तो पब्लिक के लिए क्या करेंगे आप काम? जिस तरीके से 5 साल पहले भी आपने जो काम किया, जैसा कि लॉकडाउन में काम किया और जैसे कोरोना के टाइम पे काम किया, आगे भी पब्लिक को अगर कुछ तकलीफ होगी तो वैसे ही काम करेंगे आप? इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, ये 5 सालों में जो काम करें ना, इंशाल्लाह नीयत ऐसी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे ज़्यादा काम करेंगे और कोशिश करेंगे इससे ज़्यादा काम करने की। जैसा कि आपने अभी देखा कि अब्दुलरहमान शाह ने जिस तरीके से कहा कि हम आगे भी पब्लिक के आवाम में काम करेंगे। कैमरा पर्सन शेख जाद के साथ मैं शेख शायद, RZS 24 न्यूज़। शैतानी रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जो अब्दुलरहमान शाह को नखीब मिल्लत आली जनाब अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर साहब ने जो है टिकट दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे क़ायद अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने अगले साल ही कह दिया था उनको कि शाह रहमान तुम 25 साल तक के जो है इस इलेक्शन में मजबूत रहेंगे और हमेशा अपने एरिया को मजबूत बनाओ। ये अकबरुद्दीन अवैसी साहब का कहना है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने लोग वोट डाले हैं अवाम का, हमारी माँ बहनें, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अवाम का जो है जुगतजु करके जो है अब्दुलरहमान शाह को जो जिताया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब्दुलरहमान के साथियाँ जितने नौजवान हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि बड़ी जुगतजु और रात दिन मेहनत किए हैं वो लोग। और जो है मजलिस के नुमाइंदे को कामयाब बनाने के लिए, ये देखिए, जो वोट लेना या वोट देना ये अहमियत नहीं है, लेकिन अकबर साहब, असद साहब जो बार बार बता रहे हैं, लेकिन अवाम की भी जिम्मेदारी होती है कि जो है हम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करें, उनके हाथ मजबूत करें। हम जमात से जुड़े रहे तो जमात हमारी है और हम जमात के हैं। अगर हम जमात से नहीं जुड़े तो तिनके तिनके का सरकार अलग अलग हो गए, तो याद रखिए आने वाले दिनों में हमारा जीना माहौल जो है मुश्किल हो जाएगा। आप तमाम हजरात से हमेशा जितने भी इख्तलाफात है आपसी, उसको बलाए ताक कर दीजिए और जो है मजलिस का साथ दीजिए, और मजलिस के जो है नुमाइंदे हैं उनके साथ मिलजुल के काम कीजिए। इंशाल्लाह मैं सभी हजरात के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह सबको नेक हिदायत नेक तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, खुदा हाफिज़। पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। जो मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, मस्त हवा में लहराए जैसे उड़न खटोला उड़ा जाए, लेके मन में लगन जैसे कोई दुल्हन चली जाए रे सावरिया की गली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया।
लागे देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। पतंग का धानी है ये नील गगन की रानी, बाकी बाकी है उठान है उम्र भी जवान, लागे पतली कमर बड़ी बली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके जोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। बिजली की तार बड़ी तेज है कटार, देगी काट के रख दिल जली रे। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, सारी दुनिया ये देख देख जली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे। अकबर ओवैसी बोले तो बोलेंगे अकबर ओवैसी कमीनल है, मैं बोला तो केस बुक करना बोलेंगे, लेकिन अकबर ओवैसी भी बोलने से डरता नहीं है। इस दौर के रस्म और रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से, जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादे हैं, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। वो जिनकी होंठ की जंबिश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से, कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं, इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। डरा रहे मुझको, बोल रहे आप इतना मत बोलिए, इतना ना बोलूं तो फिर लानत है मेरी जिंदगी। मैं उस सलमान का हरसदार हूं और वो मुसलमान का हरस उस वक्त ही उतर सकता है जब मैं अपने जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक आवाज, एक एक सांस मैं मुसलमानों के लिए कुर्बान ना कर दूं। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है, मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ, मेरे खून का सूरज चमकेगा।